हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग का पार्ट नंबर 66 है। देखिए दोस्तों, हम रीजनिंग भी पार्ट वाइज कराए हैं, मैथ भी। मैथ की वीडियो हम एक एक दिन बाद अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले हम कहते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह को बदल दिया जाए कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कौन सी इसमें से चिन्ह को बदल दें इन चारों ऑप्शन में से कि हमारा समीकरण सिद्ध हो जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 14 आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक ट्रिक है, जो भी जे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से जिसमें भाग्य का चिन्ह दिया हुआ है, जिन जिन ऑप्शन में भाग्य चिन्ह दिया है उसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन दिया है, सी और डी, ठीक है। पहले हम सी वाले को सॉल्व करते हैं कि हमारा ऑप्शन सी वाला सही होता है कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 24 और प्लस 6 दिया है, तो प्लस के स्थान पर क्या रख लेंगे, भाग्य रख लेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 6 × 3। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, भाग्य, भाग्य के स्थान पर क्या रख लेंगे, प्लस 3 − 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 24 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, और गुणे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 − 1 क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 − 1, यानी कि आ गया हमारा 14। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, प्लस के स्थान पर भागे कर दिया और भाग्य के स्थान पर प्लस कर दिया तो हमारा समीकरण सिद्ध हो गया। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है भाग्य एवं प्लस, ठीक है, पहले हमने भाग्य किया उसके बाद प्लस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत ही आसान से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया, 8 × 8 = 72, 6 × 6 = 42, 7 × 7 = 56 और 5 × 5 = क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा, ठीक है, 64 आएगा, 72 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 6 में 6 से गुना करेंगे 36 आएगा, 42 नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, क्या किया है, ठीक है, उसी प्रकार देखिए हम क्या करेंगे, 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, और उसी में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 72। देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को गुना किया है और 8 उसी में जोड़ दिया है तो 72 हो गया। उसी प्रकार क्या किया है, 6 में 6 से गुना किया है तो 36 आ गया है, और 36 में 6 जोड़ा है तो कितना आ गया है, 42 हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 42 भी आ गया। क्या किया है, 36 में 6 जोड़ दिया है तो 42 हो गया है, 6 में 6 से गुना किया तो 36 हो गया, और 36 में 6 जोड़ दिया तो 42 हो गया। उसी प्रकार 7 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा ना, 49 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56, देखिए यहाँ पर आ गया 56। अब इसी प्रकार 5 और 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 30 भरा जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, 8 में 8 से गुना किया और 8 जोड़ दिया तो 72 आ गया, 6 में 6 से गुना किया और उसमें 6 जोड़ दिया तो 42 हो गया, 7 में 7 से गुना किया तो 49 आया, 49 में 7 जोड़ दिया तो 56 हो गया। उसी प्रकार हमने 5 में 5 से गुना किया तो 25 आया, 25 में 5 जोड़ दिया 30 आ गया, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया, यदि प्लस का अर्थ भागे है, भागे का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ गुना है, और गुने का अर्थ प्लस है, तो 48 + 16 / 4 − 2 × 8 = क्या होगा, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, चिन्ह को बदलना है और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 48, ठीक है, 48 दिया है और यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या है, भागे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागे, भागे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, और देखिए भागे का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ भागे के स्थान पर क्या हो जाएगा, माइनस, −4, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, 4 दिया है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो क्या हो जाएगा, × 2, ठीक है, और गुने का क्या अर्थ है, प्लस, तो गुने के स्थान पर क्या रख देंगे, प्लस, कितना हो जाएगा, 8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 16 में, ठीक है, 16 से हम 48 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, 3 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस कितना बचा, 8। अब क्या करेंगे, प्लस 1 दिया है, प्लस ए दिया है, ठीक है,
प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, आपस में चिन्ह को बदल लिया तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुने का अर्थ भागे है और भागे का अर्थ प्लस हो तो 30 गुने 5 भागे 5 माइनस 5 प्लस 5 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, इसमें प्लस के स्थान पे माइनस रखना है, माइनस के स्थान पे गुना रखना है, गुना के स्थान पे भागे रखना है और भागे के स्थान पे प्लस रखना है। तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 30 दिया है, ठीक है, और गुने के स्थान पे क्या हो जाएगा, भागे हो जाएगा, भागे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और भागे के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर दिया है प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस 5। और माइनस के स्थान पर क्या दिया है, माइनस के स्थान पर गुना, देखिए माइनस का अर्थ गुना, तो माइनस का अर्थ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। और प्लस का अर्थ क्या, प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से हम 30 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 × 5 = 30। ठीक है, 6 × 5 = 30 प्लस, और 5 में 5 से गुना करेंगे कितना जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस कितना बचा 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 में से 5 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 26, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने आपस में चिन्ह को बदल लिया, ठीक है, बदलने के बाद हमारी संख्या 26 आई, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, दी गई श्रृंखला में अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अक्षर संख्या ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन दिए हुए में से एक ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, A C F J ? Q। ठीक है, देखिए दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इन अक्षरों को हम अंक में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, अंक में कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्व हो पाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों ABCD में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, और ए हमारा एक स्थान पड़ता है, ठीक है, सी हमारा 3 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे, उसी प्रकार से इन संख्याओं का हम अंक में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, ए हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा, सी हमारा 3 नंबर पे हो जाएगा, एफ हमारा 6 नंबर पे हो जाएगा और जी हमारा 10 नंबर पे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है और यू हमारा 21 नंबर पे। देखिए दोस्तों इसमें श्रृंखलाएँ कैसी चल रही है, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या किया, एक में 2 जोड़ा है, एक में 2 जोड़ा है तो 3 हो गया है, 3 में 3 जोड़ा है तो 6 हो गया है, 6 में 4 जोड़ा है तो 10 हो गया है, आने की क्रम 22 जोड़ता चला जा रहा है, 2, 3, 4, अब क्या जोड़ेगा, 10 में 5 जोड़ेगा, 10 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ओ, ठीक है, और किस स्थान पर आया, 15, तो अब क्या करेंगे, 15 में कितना जोड़ेंगे, 6, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 किस स्थान पर पड़ा, यू, देखिए यहाँ पर पड़ा, आने की 15 नंबर पे वो पड़ा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, पहले इन अक्षर को संख्या में कन्वर्ट किया, फिर इसकी श्रृंखला बनाई, उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, अक्षर ओ आया और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ओ भरा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।